दोस्तों हमारे पास पेंसिल की दो क्वालिटी हैं, ये है डोम्स की पेंसिल की क्वालिटी और यह है दोस्तों आर्टलाइन की पेंसिल। मैं आपको इनको दिखा देता हूँ ये किस तरह की है दिखने में। देखिए ये कुछ दिखने में इस तरह की है। और दोस्तों दूसरी हमारे पास जो क्वालिटी है ये हमारे पास आर्टलाइन की है, इन्हें भी आप अच्छे से देख सकते हो और आपने इनको यूज भी किया होगा पहले कभी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों पेंसिल की क्वालिटी में से कौन सी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, कौन सी अच्छे से शार्प होती है। सबसे पहले मैं दोस्तों एक शार्पनर लूंगा, मैं इनको साइड कर देता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले मैं एचबी पेंसिल को शार्प करूंगा और देखते हैं कि ये अच्छे से शार्प हो पाती है या नहीं। देखिए ये अच्छे से शार्प हो गई है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख सकते हो कितनी बढ़िया इसकी टिप बनी है। दोस्तों अब हम आर्ट लाइन की पेंसिल में से भी एचबी पेंसिल लेंगे और देखेंगे कि ये भी अच्छे से शार्प हो पाती है या नहीं। ये भी दोस्तों अच्छे से शार्प हो पा रही है, लेकिन दोस्तों मैंने पेंसिल शार्प की थी और आप देख सकते हो ये किस तरह से शार्प हो पाई है। ये हमारी आर्ट लाइन की जो पेंसिल है उसका वेस्ट मटेरियल है और ये काफ़ी अच्छे से शार्प हो पाई है। और दोस्तों ये हमारी डोम्स पेंसिल का वेस्ट मटेरियल है और ये भी काफ़ी अच्छे से शार्प हो पाई है। तो दोस्तों पेंसिल की जो दोनों क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छे से शार्प हो पाई है, मैंने आपको भी दिखाया है। दोस्तों हमने ये तो देख लिया है कि शार्प करने में कौन सी पेंसिल की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, दोनों पेंसिल की दोस्तों क्वालिटी सेम है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करते हैं तो कौन सी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, डोम्स की पेंसिल की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है या फिर आर्ट लाइन की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डोम्स पेंसिल की जो क्वालिटी है इससे शेडिंग करूंगा और देखेंगे कि इससे कैसी शेडिंग हमें मिलती है। तो मैं दोस्तों इसमें एचबी पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। एचबी पेंसिल से शेडिंग करने पर दोस्तों हमें इस तरह की शेडिंग मिल रही है। दोस्तों देखिए ये शेडिंग काफी ज्यादा स्मूथ है, दोस्तों देखिए काफी ज्यादा स्मूथ शेडिंग है दोस्तों ये। अब अगर बात करें दोस्तों आर्ट लाइन की एचबी पेंसिल की, तो दोस्तों अब मैं इससे आपको शेडिंग करके दिखाऊंगा, दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर है आपको बताऊंगा। दोस्तों इस पेंसिल की हेल्प से भी मैं सेम प्रेशर्स के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। जिस पेंसिल की शेड्स है दोस्तों ये भी काफी ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हो अगर हम इनकी हेल्प से शेडिंग करते हैं तो कौन सी ज्यादा बेटर क्वालिटी है। जो हमारी ये डोम्स की क्वालिटी है दोस्तों ये काफी ज्यादा स्मूथ है, और ये वाली जो हमारी आर्ट लाइन की पेंसिल की शेडिंग है दोस्तों ये स्मूथ है लेकिन दोस्तों ये थोड़ी सी हार्ड है दोस्तों। तो दोनों में से जो बेटर क्वालिटी है एचबी पेंसिल में वो डोम्स पेंसिल की क्वालिटी है। अब इसी तरह से मैं इन पेंसिल की जो शेड्स है इनका यूज करूंगा। अब मैं इसमें आर्ट लाइन की 2B पेंसिल से शेड करके देखता हूँ और देखते हैं 2B पेंसिल कौन सी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की है। जो 2B पेंसिल है इसमें भी हमारी डोम्स पेंसिल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, बट दोस्तों जो हमारी आर्ट लाइन की पेंसिल है इसमें हमारी 2B पेंसिल डार्क है, लेकिन डोम्स की जो पेंसिल की शेड्स है इसमें ये डार्क नहीं है, बट दोस्तों जो आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स है थोड़ी डार्क है डोम्स की पेंसिल की क्वालिटी से। अब दोस्तों इसी तरह से मैं 4B पेंसिल यूज करता हूँ और देखते हैं इसमें से कौन सी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है। अब इसी तरह से मैं जो आर्ट लाइन की पेंसिल है 4B पेंसिल में इसकी हेल्प से शेडिंग करूंगा। दोस्तों इसमें भी जो डोम्स की पेंसिल की शेड्स है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बट ये ज्यादा डार्क नहीं हो पाई है। और दोस्तों ये जो आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स है काफी ज्यादा डार्क पेंसिल की शेड्स है, बट दोस्तों इसमें हार्डनेस है, ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाई है। ये वाली शेडिंग में आपको लाइनिंग दिख रही होगी, बट दोस्तों इस वाली शेडिंग में लाइनिंग नहीं है। अब मैं डोम्स की 6C पेंसिल यूज कर रहा हूँ और शेडिंग कर रहा हूँ।
अब दोस्तों जो आर्ट लाइन की 6C पेंसिल है हम उससे शेडिंग करके देखते हैं। दोस्तों जो डोम्स की 6C पेंसिल है अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो शेड्स है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, देख सकते हैं आप। बट दोस्तों ज्यादा डार्क नहीं है, 6C पेंसिल की शेड्स है ये काफी ज्यादा स्मूथ है डोम्स की पेंसिल के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स काफी ज्यादा डार्क भी है। अब हम इसमें डोम्स की 8B पेंसिल से शेडिंग करके देखते हैं। हमने 8B पेंसिल से भी इसमें शेड्स कर ली है। अब हम आर्ट लाइन की 8B पेंसिल को यूज करके देखते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें आर्ट लाइन की 8B पेंसिल से शेड्स करके देखता हूँ। देखिए हमने दोनों पेंसिल की जो शेड्स है आर्ट लाइन की और डोम्स की दोनों से शेड्स कर लिए है। देखिए जो हमारी डोम्स की पेंसिल की जो शेड्स है ये थोड़ी कम डार्क है बट ये दोस्तों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल की शेडिंग है। एंड दोस्तों जो आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडिंग है दोस्तों, बट दोस्तों ये थोड़ी हार्ड शेडिंग है। अब अगर हम बात करें 10B पेंसिल की शेड्स की, अब दोस्तों मैं 10B पेंसिल से शेड्स कर रहा हूँ इसमें। देखिए हमने 10B पेंसिल से भी शेड्स कर ली है। अब हम आर्ट लाइन की 10B पेंसिल का यूज करेंगे। देखिए ये है 10B पेंसिल, ये काफी ज्यादा छोटी है तो मैं इसको पेंसिल एक्सटेंड में लगा लेता हूँ। अब देखिए अब दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पेंसिल की शेड्स है ये डोम्स की 10B पेंसिल की शेड्स है और ये आर्ट लाइन की 10B पेंसिल की शेड्स है। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये डार्क है बट दोस्तों जो हमारी आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स है ये काफी ज्यादा डार्क है डोम्स की पेंसिल की क्वालिटी से। एंड दोस्तों जो ये हमारी आर्ट लाइन की पेंसिल की क्वालिटी है ये काफी ज्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। डोम्स की जो पेंसिल की क्वालिटी है ये भी काफी ज्यादा अच्छी है दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा स्मूथ है। बट दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्मूथ पेंसिल की शेड्स है वो दोस्तों हमारी आर्ट लाइन की ही है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी पेंसिल की शेड्स अच्छे से ब्लेंड हो पाती है। अब मैं सबसे पहले जो डोम्स की पेंसिल की शेड्स है इसको ब्लेंड करूंगा। देखिए कुछ इस तरह से ब्लेंड हो पाई है। हम दोस्तों जो आर्ट लाइन की HB पेंसिल की शेड्स है हम इसको ब्लेंड करेंगे। जो पेंसिल की शेड्स है ये काफी ज्यादा अच्छी हैं, बट दोस्तों डोम्स की जो HB पेंसिल है इसकी शेड्स अच्छे से ब्लेंड हो पाई है काफी ज्यादा। और दोस्तों अगर हम बात करें आर्ट लाइन की पेंसिल की, दोस्तों ये अच्छे से ब्लेंड हो तो पाई है बट दोस्तों इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रेशर्स का अप्लाई करना पड़ रहा था तब जाके ब्लेंड हो पाई है। अब दोस्तों इसी तरह से मैं जो डोम्स पेंसिल की जो शेड्स हैं इनको ब्लेंड करके देखता हूँ और फिर इसके बाद मैं आर्ट लाइन की जो पेंसिल है इनको ब्लेंड करूंगा और देखेंगे कौन सी पेंसिल की जो क्वालिटी है अच्छी है ब्लेंडिंग में। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये जो डोम्स की पेंसिल की शेड्स हैं काफी ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पाई हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। बट दोस्तों किसी किसी पेंसिल की जो शेड्स है उसमें लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों हम आर्ट लाइन की पेंसिल की जो शेड्स है इसको ब्लेंड करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने जो आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स है हमने इन्हें भी ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमने इनको ब्लेंड किया है। दोस्तों जो पेंसिल की शेड्स है दोनों ही क्वालिटी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, ये वाले भी अच्छे से ब्लेंड हो पाई है और दोस्तों जो
आर्टलाइन की पेंसिल की शेड्स है, ये भी अच्छे से ब्लेंड हो पाई है। दोस्तों जो हमारी पेंसिल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, दोनों में सेम सी ही है। दोस्तों जो इन पेंसिल का जो प्राइस है, डोम्स की पेंसिल का प्राइस है दोस्तों 50 रुपये 50 रुपीज़, और दोस्तों जो हमारी आर्टलाइन की पेंसिल है इनका जो प्राइस है वो दोस्तों 70 रुपीज़ है, 70 रुपये। डोम्स की ये वाली पेंसिल की क्वालिटी कहीं पर मिले तो आप उसको आंख बंद करके खरीद लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंसिल की शेड्स भी हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारी पेंसिल की शेड्स है, हम इन्हें अच्छे से किसी भी इरेजर की हेल्प से इरेज कर पाएंगे या नहीं। सबसे पहले मैं डोम्स पेंसिल की जो शेड्स है इसको रफ करके देखता हूँ। अब इसी तरह से दोस्तों जो आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स है हम इसको रफ करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने इन दोनों शेड्स को अच्छे से रफ किया है। दोस्तों जो हमारी डोम्स की पेंसिल है इसकी जो शेड्स है हम इनको अच्छे से रफ कर सकते हैं, और दोस्तों जो हमारी आर्ट लाइन की पेंसिल की शेड्स है हम इन्हें भी अच्छे से रफ कर सकते हैं। बट दोस्तों जो हमारी टैन बी पेंसिल की जो शेड्स है हम उसे अच्छे से रफ कर ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें हम अच्छे से शेडिंग को रफ कर पा रहे हैं दोस्तों, और इसमें जो टैन बी पेंसिल है इसे अच्छे से रफ नहीं कर पा रहे हैं। बट दोस्तों दोनों पेंसिल की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बट दोस्तों मैं आपको दोबारा बोलूँगा, अगर आपको डोम्स की ये वाली क्वालिटी मिले तो आप उसको आँख बंद करके खरीद लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा सस्ती और बेटर क्वालिटी है। आप इनकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से किसी भी पोर्ट्रेट को बना सकते हैं, उसमें शेड्स भी कर सकते हैं, और उस शेड्स को अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हैं और उसको रफ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास दोस्तों, आप इनका यूज अच्छे से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो की हेल्प से आपने ये जाना होगा कि इन दोनों पेंसिल की क्वालिटी में से कौन सी पेंसिल की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।